Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalinder. Friends, in today's video lecture, I'm going to discuss with you NET December 2012's question paper. इसमें December 2012 का second question हम आज देखेंगे. तो start करते हैं. Question number first. Which one of the following is not a characteristic of primary group? Primary group का इनमें से कौन सा characteristic नहीं है? Take your time. Correct answer is option D. Relation or ends, relation or means to an end. देखो primary group क्या होता है? Primary group में basically close relatives और close persons आते हैं, जैसे कि family है, peer group है, ये primary group का example है. और secondary group में क्या आता है? Secondary group में political party हो या formal relation हो किसी company के, ये secondary group में आता है. तो इन्होंने क्या पूछा है? Primary group का इनमें से कौन सा characteristic नहीं है? तो personal orientation, primary group में personal orientation रहता है, personal relation रहते हैं, correct है. लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन भी होता है, करेक्ट है. ये भी रिलेशन और एंड इन देमसेल्व्स, यह भी होता है, क्योंकि रिलेशन जब तक आप हो तब तक कंटिन्यू चलते हैं. बट रिलेशन और मींस टू एन एंड, यानी कि जब काम खत्म होता है तो रिलेशन खत्म होते हैं. ऐसा होता है कि प्राइमरी ग्रुप में नहीं होता. तो ऑप्शन डी इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी? Take your time. Correct answer is Max Weber. Max Weber was a German sociologist philosopher who wrote Economy and Society, a book in 1922. Question बहुत बार इसके ऊपर आ चुका है. Max Weber का जो famous book है Economy and Society, इसके बारे में बहुत बार question आ चुका है. Question number third. Which one of the following is not an element of a rural community? इनमें से कौन सा rural community का element नहीं है? Take your time. Correct answer is B. Cultural diversity. देखो rural community में वी feeling होता है, एक दूसरे के साथ closeness की भावना, yes होती है. Second territory, एक ही territory में रहते हैं. C. Fourth है self sufficiency. रूरल एरिया सेल्फ सफिशियंट होता है, ये भी करेक्ट है. और यहाँ पे क्या दिया है? कल्चरल डाइवर्सिटी. रूरल एरिया में कल्चरल डाइवर्सिटी होती है क्या? नहीं होती. वहाँ पे कल्चरल होमोजेनिटी होती है, कल्चर एक जैसा होता है. एक ही गांव में अलग अलग डिफरेंट कल्चर नहीं रहता है. यहाँ पे जो उन्होंने ऑप्शन दिया है सेल्फ सफिशियंसी, ये सेल्फ सफिशियंसी पहले थी, बट अभी कंटेम्प्रेरी आप रूरल सोसाइटी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि रूरल सोसाइटी में हर गांव इंडिया का आज शहर के ऊपर निर्भर बन चुका है. तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि अभी अपने सोशियोलॉजी में ऐड नहीं हुआ है अभी तक. आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ इसका, क्योंकि आज अपने गाँव सेल्फ सफिशियंट नहीं रहे है, यह रियलिटी है. Question number 4. Choose the correct sequence of following in order of increasing complexity. Complexity कौन से stage में बढ़ रही है? यहाँ आपको यहाँ पे देखना है. Take your time. Correct option is C. Hunting, pastoral, agrarian, industrial and post-industrial society. देखो सबसे पहले हंटिंग कम्युनिटी थी. एंशिएंट टाइम पे हंटिंग लोग करते थे, उसके बाद हंटिंग करने के बाद वह पैस्ट्रॉल बन गए, यानी कि चारागाह बन गए, जानवरों को संभालने लगे, उसके बाद वो खेती करने लगे, एग्रीरियन कम्युनिटी बन गई. तो कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेज आया तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई. और सबसे ज़्यादा किस में डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर बन गई? तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि आज का एरा.
क्वेश्चन नंबर 5, सोशियोलॉजी इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सपेक्टिव दैट प्लेसेस डैश इन द फोरग्राउंड. टेक योर टाइम. करेक्ट ऑप्शन इज सोशल इंटरेक्शन. देखो सोशियोलॉजी जो है वह इंडिविजुअल का स्टडी करती है क्या? खाली नहीं, यूनिक सोशल इवेंट्स का ही करती है क्या बस? यानी कि कोई मोर्चा हो या मैरिज हो? नहीं. कल्चर का करती है क्या खाली? नहीं, सब चीज़ों का करती है. बेसिकली क्या, बेसिकली सोशल इंटरेक्शन जो होता है उसी का वह स्टडी करती है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन टू पीपल इंटरैक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म. जब दो लोग एक दूसरे के साथ मिलते तो क्या क्रिएट करते, क्या फॉर्म करते? तो वह डायडिक ग्रुप फॉर्म करते हैं. और जब तीन लोग इकट्ठे आते तो ट्रायडिक ग्रुप कहा जाता है, उसे ट्रायड भी कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्स म्यूलर बिलीव्ड टू बी द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. मैक्स म्यूलर के हिसाब से सबसे पहले पहला रिलीजन का फॉर्म कौन सा था सबसे पहला? टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज नेचुरिज्म. सबसे पहले लोग नेचर को ही भगवान मानते थे, यानी कि विंड हो, फायर हो या वाटर हो, उसी को ही लोग भगवान मानते थे, नेचर मानते थे. जो सुप्रीम पावर था तो उसी को ही ये लोग मानते थे सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 8, रिडिक्यूल इज, टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज सोशल सैंक्शन. देखो सोशल सैंक्शन क्या होता है, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली सोशल सैंक्शन बनाए जाते हैं. तो उसमें दो चीजें हैं बेसिकली, उसमें रिवार्ड्स होते हैं और पनिशमेंट होता है. देखो जब आप अच्छा काम करेंगे, आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपको रिवार्ड्स मिलेगा, और जब आप कोई क्राइम करेंगे तो आपको पनिशमेंट होगा. तो सोशल सैंक्शन में रिडिकुल क्या है? तो एक सोशल सैंक्शन है. क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म रेफरेंस ग्रुप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. रेफरेंस ग्रुप का जो टर्म है किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया? टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर है हर्बर्ट हेमन. 1942 में उन्होंने यह वर्ड सबसे पहले यूज किया है, टर्म रेफरेंस ग्रुप सबसे पहले हेमन ने दिया है. क्वेश्चन नंबर 10, मैच लीस्ट फर्स्ट विथ लीस्ट सेकंड एंड मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. यहाँ पे ऑथर दिए है, सोशल चेंज का पर्सपेक्टिव दिया है उन्होंने. सोरोकिन, टेक योर टाइम. यहां पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सोरोकिन ने क्या दिया है? साइक्लिकल थ्योरी दिया है. डारेंडॉर्फ ने क्या दिया है? डायलेक्टिकल थ्योरी दिया है. स्पेंसर ने क्या दिया है? इवोल्यूशनरी थ्योरी दिया है. इवोल्यूशनरी थ्योरी उसने चार्ल्स डार्विन से बोरो किया है. उसका कौन सा थ्योरी था? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन उसका थ्योरी था, उससे स्पेंसर ने बोरो किया. और दुर्खिम ने क्या दिया? स्ट्रक्चरल फंक्शनल उसका पर्सपेक्टिव था दुर्खिम का. क्वेश्चन नंबर 11, द प्योटल मेथोडोलॉजी ऑफ फंक्शनलिस्ट इज. फंक्शनलिस्ट की प्रमुख मेथोडोलॉजी कौन सी होती है? क्या वो लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते हैं? नहीं. कंटेंट एनालिस्ट खाली वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं? नहीं. कंजक्चरल हिस्ट्री, हिस्ट्री का गेस करके वह लिखते हैं? नो. तो क्या करते हैं वह? फील्ड वर्क करते हैं. तो आंसर क्या रहेगा उसका? इसका फील्ड वर्क. द प्योटल मेथोडोलॉजी ऑफ फंक्शनलिस्ट इज फील्ड वर्क. क्वेश्चन नंबर 12, टू मीट द जनरलाइज अदर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ. टेक योर टाइम.
यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी मी। मीड क्या बोलते हैं, जनरलाइज अदर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स, ये जो है वो क्या, और क्रिएटर्स ऑफ मी। जब बच्चा छोटा होता है वह एक गेम गेम स्टेज में प्ले स्टेज में होता है, और उसके बाद जब वो बड़ा होता है वो गेम स्टेज में होता है। दो स्टेज उन्होंने बताया, एक प्ले स्टेज और दूसरा गेम स्टेज। तो जब वो छोटा होता है तो वह खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसको लोगों को देखता है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं इसको देखता है, तो उसको मीड मीड कहते हैं मी। और ईगो और सुपर ईगो किसने दिया है, तो फ्राइड ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, द कलेक्शन ऑफ रोल्स दैट गोज विद अ गिवन स्टेटस इज टर्म्ड एज, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज रोल सेट। देखो कलेक्शन ऑफ रोल्स दैट गोज विथ ए गिवन स्टेटस इज टर्म्ड एज रोल सेट। जब कलेक्शन होता है रोल्स का, एक से ज्यादा रोल्स आपको प्ले करने पड़ते हैं एक ही स्टेटस के साथ। मानो कि आप भी हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल में भी करनी पड़ती है। अगर आप हॉस्पिटल का आप ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हो तो उसका काम करना पड़ता है। हॉस्पिटल का दूसरा अगर कोई आपको रोल सौंपा दिया जाए तो वो भी करना पड़ता है। तो डिफरेंट रोल एक ही स्टेटस के साथ जब जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, रोल सेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द सिचुएशन इन विच ए पर्सन इज फेस्ड विद डिमांड्स फ्रॉम टू और मोर रोल्स दैट डू नॉट मैच इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। देखो इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल्स था, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक ही सिचुएशन में एक ही बंदे को दो डिमांड फुलफिल करने के लिए कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक भी नहीं हो सकेगा दोनों में से, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, तो उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और रोल कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट कॉमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वेयर ईच पर्सन प्लेज ए लिमिटेड नंबर ऑफ रोल्स। ट्रेडिशनल सोसाइटी में रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, क्योंकि वहां पे हर बंदा एक ही काम करता था, मल्टीपल रोल वहां पे नहीं थे, ये भी करेक्ट है। बट इस एजर्सन का ये रीजन है क्या, तो रीजन ऑब्वियसली नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत बार बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे गलती करके आते हैं, उनको लगता है दोनों भी करेक्ट है, तो उसका रीजन भी वह एजर्सन के साथ करेक्ट ही जोड़ देते, बट ऐसा नहीं होता, इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज रिटन द बुक अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, टेक योर टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एम एस गोरे, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, यह फेमस बुक है, एम एस गोरे ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, हु स्टडीड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिटी ऑफ जॉइंट फैमिली इन महुआ, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज आईपी देसाई। आईपी देसाई ने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिटी ऑफ जॉइंट फैमिली का स्टडी किया था महुआ ट्राइब के बीच में जाके। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे मैच करना है लिस्ट को, टेक योर टाइम। यहां पे बुक है और यहां पे ऑथर्स है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसने लिखा है? केम कपड़िया ने लिखा है. किनशिप ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखा है? इरावती कर्वे ने लिखा है. बहुत ही फेमस बुक है ये किनशिप ऑर्गेनाइजेशन. बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. किनशिप एंड मैरिज यह रॉबिन फॉक्स ने लिखा है. ये भी बहुत ही फेमस है. फैमिली इन इंडिया ये एम शाह ने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 18. हु सेड दैट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्यूरिटी एंड पोल्यूशन? टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज लुइस डुमोंट. लुइस डुमोंट ने कहा है इंडिया में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, स्तरीकरण हो गया है इंडियन समाज का, तो वह किसके आधार पर हुआ है? तो उसने कहा है प्यूरिटी एंड पोल्यूशन के आधार पर हुआ है. तो उसने यह होमो हायरार्कस, उसका फेमस बुक है, लिख लीजिए होमो हायरार्कस, उसमें यह उन्होंने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 19. Who has given functional theory of social stratification? यह क्वेश्चन उन्होंने गलत दिया है, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फंक्शनल थ्योरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का किंग्सले डेविस और मूरे ने दिया है. तो अगर यहाँ पे बी प्लस सी होता तो करेक्ट हो जाता, बट यह क्वेश्चन और उसका आंसर उन्होंने करेक्ट नहीं दिया है. मैच द लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पे ऑथर्स है, थिंकर्स है. टेक योर टाइम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, होमो हायरार्कस. अभी मैंने ऊपर लिखा है तो किसने वह लिखा है, दिया है? लुइस डुमोंट ने दिया है. ह्यूमन सोसाइटी किसने उसका स्टडी किया है? किंग्सले डेविस ने किया है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यह बुक किसने लिखा है? योगेंद्र सिंह ने लिखा है. बहुत ही फेमस बुक है ये. अभी 2020 का जो एग्जाम हुआ नेट का, उसमें भी यह क्वेश्चन आ गया था. मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यह बुक किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर उसका होगा योगेंद्र सिंह. एंड देन कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन यह बुक किसने लिखा है? तो यह जी एस भूरे ने लिखा है. यह बुक की लिस्ट है और यह थिंकर्स की लिस्ट है. क्वेश्चन नंबर 21. मार्क्सियन थ्योरी ऑफ चेंज दैट चेंज कम्स थ्रू रिवोल्यूशन इंडिकेट्स. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इसका रहेगा बी, चेंज ऑफ द होल स्ट्रक्चर. मार्क्स की जो थ्योरी रहती है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को, मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बनाया है. तो मार्क्स का यह कहना है कि रिवोल्यूशन के बाद क्या होना चाहिए? चेंज इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए. बस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, नहीं, ए पार्शियल चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में पार्शियल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, नहीं. नॉमिनल चेंज ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, नहीं, नॉमिनल चेंज भी नहीं होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? अगर चेंज होता है तो चेंज ऑफ द होल स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज होना चाहिए. जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम ओनर्स को, मास्टर्स को देखते हैं, और सॉरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम बॉर्जोजी लोगों को देखते हैं, और प्रोलेटेरिएट को हम देखते हैं. प्रोलेटेरिएट यानी कि जिसके पास कुछ पैसे नहीं होते, हैव नॉट्स भी उनको कहता है, और बॉर्जोजी वो जो कैपिटलिस्ट रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, उसको हैव्स बोलते हैं. तो मार्क्स हमेशा हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में मार्क्स हमेशा संघर्ष बताता है. तो वह कहता है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो भौतिकवादी सोसाइटी है, तो वह चेंज होना चाहिए, और वह चेंज होने के बाद कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सोसाइटी तैयार होना चाहिए. यह मार्क्स का सपना था. क्वेश्चन नंबर 22. मैच लिस्ट. थ्योरी ऑफ चेंज है इधर और इधर ऑथर्स है. टेक योर टाइम.
करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, साइक्लिकल थ्योरी। साइक्लिकल चेंज किसने दिया है? अर्नोल्ड टोएम्बी ने दिया है। लीनियर रिवोल्यूशनरी थ्योरी यह दी है ऑगस्ट कॉम्टे ने। इसमें थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव स्टेजेस ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया है, जो उसने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में यह स्टेजेस बताए हैं कि किस तरह से ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई है। फिर डायलेक्टिकल चेंज किसने बताया है? कार्ल मार्क्स ने बताया, अभी मैंने बताया कार्ल मार्क्स कैसे डायलेक्टिकल चेंज को बताते हैं कि हैव्स और हैव नॉट के बीच में संघर्ष होता है और फिर हैव नॉट्स का रूल आ जाता है। और फिर फंक्शनल थ्योरी किसने दिया है? किंग्सले डेविस और डब्ल्यू ई मूरे। यहाँ पे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19, सेम यहाँ पे उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज विजिबल इन द, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ए, साइलेंट शिफ्ट फ्रॉम माइक्रो टू माइक्रो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। देखो क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्लासिकल और मॉडर्न सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है, साइलेंट शिफ्ट फ्रॉम माइक्रो टू माइक्रो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। देखो सबसे पहले यूरोप में ऑगस्ट कॉम्टे हो गए, इमाइल दुर्खाइम हो गए, मैक्स वेबर, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स, ये जो जॉर्ज सिमेल, ये जो थिंकर्स थे, यह मैक्रो ओरिएंटेशन से सोसाइटी का स्टडी करते थे, यानी कि ब्रॉड बेस पर। बट उसके बाद अमेरिका में, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में माइक्रो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का शुरुआत हुआ। तो उसमें जी एच मीड हो गए, उसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वो उसने उन्होंने डेवलप किया। इविन गोफमन हो गए, जी एस मीड हो गए, वह क्या करते थे? माइक्रो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था उनका, छोटे छोटे पर्सपेक्टिव के ऊपर वो स्टडी करते थे, जैसे कि मीनिंग हो गया, सिंबल्स हो गया, ठीक है, वह किस तरह से इंटरेक्शन में काम आता है, यह वह स्टडी करते थे। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज कॉम्टेस मेंटर? कॉम्टे का मेंटर कौन था? टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज सेंट साइमन। सेंट साइमन यह कॉम्टे के मेंटर थे। एक्चुअली ऑगस्ट कॉम्टे सेंट साइमन के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग हु बिलीव्ड इन सोशल डार्विनिज्म? सोशल डार्विनिज्म पर कौन विश्वास रखते थे? टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज इवोल्यूशनिस्ट। इवोल्यूशनिस्ट जो थे, स्पेंसर थे, वह सोशल डार्विनिज्म के ऊपर बिलीव करते थे। सोशल डार्विनिज्म क्या होता है? सोशल, जो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दिया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो उसी तरह से जो इवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने सोशल डार्विनिज्म, सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म को फॉलो किया। हर्बर्ट स्पेंसर का यह कहना था कि सोसाइटी में भी जो जिन जिन लोगों का, जिन जिन चीज़ों का अभी तक, जिन कम्युनिटियों का सर्वाइवल हुआ है, वो फिटेस्ट थी, इसीलिए उनका सर्वाइवल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, पार्सन्स एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज होम्योस्टेसिस। देखो जैसे बायोलॉजी में, जैसे अपने शरीर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और वह एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से म्यूचुअली काम करते हैं, उनमें एक हारमोनी होती है, उसी तरह उसी हारमोनी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी नॉर्मल रखती है, तो उसी तरह से उसको टॉलकॉट पार्सन ने सोशल सिस्टम को समझाने के लिए
उसको यूज किया है होम्योस्टेसिस को, कि जैसे होम्योस्टेसिस जैसे एक बॉडी अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे पार्ट से इंटर रिलेटेड होती है, वैसे ही सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वर्क करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु स्टार्टेड हिज बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन विद द रिटोरिकल क्वेश्चन हु नाउ रीड्स स्पेंसर, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज पार्सन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन यह बुक पार्सन ने लिखा है। यह बहुत बार क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसने बुक्स लिखा है, तो यह पार्सन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28, फेनोमेनोलॉजी इज अ रेडिकल अल्टरनेटिव टू, करेक्ट आंसर इज पॉजिटिविज्म। देखो फेनोमेनोलॉजी में क्या होता है, फेनोमेनोलॉजी में बेसिकली कॉन्शियसनेस का स्टडी होता है। फेनोमेनोलॉजी में जो मोटिव होते हैं उनका स्टडी किया जाता है। लिख देता हूँ मैं, मोटिव कॉन्शियसनेस। देखो पॉजिटिविज्म जो ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म दिया था, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने बेसिकली हर चीज को एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एक्सप्लेन करना चाहिए ऐसा कहा था। बट फेनोमेनोलॉजिस्ट जो थे अल्फ्रेड, सबसे पहले एडमंड हेसरल ने फेनोमेनोलॉजी का इन्वेंशन किया, और उसके बाद एडमंड हेसरल और मैक्स वेबर ने जिन्होंने वोस्टेहन का थ्योरी दिया अंडरस्टैंडिंग, उसको मिला के फेनोमेनोलॉजी अल्फ्रेड सूज ने डेवलप किया। तो वह कहते हैं कि एवरी थिंग जो सोसाइटी में है वह खाली पॉजिटिविज्म के बेस पर नहीं हो सकती, तो एक हर आदमी को एक मोटिव होता है इंडिविजुअल, एक कॉन्शियसनेस होती है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो वह फेनोमेनोलॉजी क्या था, रेडिकल अल्टरनेटिव था, यानी कि टोटली कंप्लीट अपोज था किसको, पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 29, दुर्खिम स्टडी ऑफ सुसाइड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ए एंड डी। देखो दुर्खिम स्टडी ऑफ सुसाइड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, दुर्खिम का सुसाइड का जो स्टडी है तो हमको क्या समझने के लिए हेल्प करता है। तो पहला है सोसाइटी होल्ड ओवर द इंडिविजुअल, सोसाइटी का इंडिविजुअल के ऊपर प्रेशर होता है, समाज का एक आदमी के ऊपर प्रेशर होता है, ना कि इंडिविजुअल होल्ड्स ऑन द सोसाइटी। इंडिविजुअल का सोसाइटी के ऊपर होल्ड्स होता है क्या, दुर्खिम कहता है नहीं होता। तो क्या होता है, समाज का इंडिविजुअल के ऊपर होल्ड होता है। तीसरा, सुसाइड रेट ऑफ वेरियस सोसाइटी, नो। और फिर है डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन ऑफ ए सोसाइटी, सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन कितना एक पर्टिकुलर बंदे का है, इसी से सुसाइड की का जो रेट है वो हम देख पाते हैं। अगर किसी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर बंदे का सोशल इंटरेक्शन अगर कम होता है तो फिर भी वह सुसाइड करता है, यानी कि आइसोलेशन हो या बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं। और अगर उसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा भी हो तो फिर भी वह मरने के लिए मजबूर हो जाता है, यानी कि आप इसको एक आर्मी मिलिट्री मैन का भी उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि एक आर्मी का जवान देश के लिए मरने के लिए तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इन मर्टन्स फंक्शनल एनालिसिस ऑफ
सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर सेंट्रल. मॉर्टन के फंक्शनल एनालिसिस में कौन सा कॉन्सेप्ट सेंट्रल है? टेक योर टाइम. करेक्ट ऑप्शन इज डी. मॉर्टन ने जब फंक्शनल एनालिसिस किया है सोसाइटी का, तो उसमें बेसिकली उसने फंक्शंस एंड डायफंक्शंस का फंक्शंस और डायफंक्शंस की बात की है, और फिर मैनिफेस्ट एंड लैटेंट फंक्शंस की भी बात की है. मैनिफेस्ट यानी कि जो फंक्शंस दिखते हैं, और लैटेंट फंक्शंस जो फंक्शंस नहीं दिखते. जो मैनिफेस्ट फंक्शन इंटेंडेड होते हैं और लैटेंट फंक्शंस अनइंटेंडेड होते हैं. तो उसने स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड फंक्शनल प्रीरिक्विजिट का बात नहीं किया है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन का भी बात नहीं किया है. 31. कुला वाज एसोसिएटेड विद. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन ए एंड बी, ट्रोबी एंड आइसलैंड एंड मेलोनोस्की. कुला का जो रिचुअल्स है, वह मेलोनोस्की ने जब वो न्यू गिनी में गए थे, तब वह उन्होंने ट्रोब्रियांट आइसलैंडर्स वहाँ के जो है उनका स्टडी किया था. तो वहाँ पे कुला का एक रिचुअल्स होता था, वह उन्होंने आर्गोनॉट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ये जो बुक है उसमें कुला का जो रिचुअल्स है, ये बेसिकली कुला एक एक्सचेंज है ट्राइबल लोगों के बीच में, किस तरह से एक्सचेंज होता है उसका एक फॉर्म है कुला. तो वह उन्होंने वहाँ पे स्टडी किया था मेलोनोस्की ने, कहाँ पे? न्यू गिनिया में ट्रोब्रियांट आइसलैंडर्स का स्टडी किया था. बहुत बार आता है क्वेश्चन कुला एक्सचेंज कहाँ पे मेलोनोस्की ने स्टडी किया था, न्यू गिनी में किया था और ट्रोब्रियांट आइसलैंडर का उन्होंने स्टडी किया था. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.